चंडीगढ़ के नियर बाय अगर आपको फार्म हाउस चाहिए और आपके बजट फ्रेंडली फार्म हाउस चाहिए तो आप बताना। हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, हम ऑफ रोड से जा रहे हैं लाइक दिस ब्रोस। देखो ये फार्म हाउस की बाउंड्री है और ये फार्म हाउस कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ उसको बताएंगे जो पिछले व्लॉग के लिए सॉरी वो मुझे अधूरा बंद करना पड़ा। देख तो आपने लिया इशू, आपको समझ आ गया कि टोयोटा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो DPF वाली। और मैं ये कहता हूँ अभी भी, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि टोयोटा को ये चाहिए कि गाड़ियों को रिकॉल करके ये DPF पंप का सोल्यूशन परमानेंट करके दो। किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो हाईवे पे फंस गया तो। सबसे बड़ा मेरा दुख का रीजन यही है कि मैं खुद हाईवे पे खड़ा था और ये मैं तब समझा जब मैं खड़ा हूँ। इससे पहले एक हाईलक्स मेंबर अपने आधी क्लास में फंसे, 5 दिन बाद उसकी गाड़ी रिकवर होके आई, ठीक है, उनकी गाड़ी एक्चुअली रिकवर होके आई 5 दिन बाद, मुझे वो भी बड़ा बुरा लगा था। सो भाई चलो इस बात को छोड़ते हैं, वेलकम टू न्यू व्लॉग हर हर महादेव। ये रहे हनी गिल जी, की हाल है भाई? ऑल गुड भाई, सारे सत श्री अकाल। हेलो, ओही लाल वाला ट्रक छड़ के अज स्कॉर्पियो दा केड़ा दित्ता जे भाई जी? ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਯੈਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ। ਲਾਈਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਅਰਲੀ 3000 acres ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਸ ਕੱਟੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ क्योंकि अपनी ऑडियंस मिक्स होती है। तो हिंदी में कहानी है कि चंडीगढ़ के नियर बाय अगर आपको फार्म हाउस चाहिए और आपके बजट फ्रेंडली फार्म हाउस चाहिए तो आप बताना, कमेंट कर लेना और मैं एक हेल्पलाइन नंबर तो दे ही दूंगा, चाहे उस पर कॉल कर लेना, ठीक है। और देखो ये किसी भी तरह का आपको पता है कमर्शियल वाला सीन अपना तो है नहीं, अपने भाइयों की प्रॉपर्टी है, पीछे भैया बैठे हैं इनकी है और भैया इनके फ्रेंड है। तो हम इसलिए जा रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाके देख के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि भाई कुछ और भी जिंदगी में चलना चाहिए। और ये ना मेरी नॉर्मल यूजुअल लाइफ है, मैं यही सब कुछ करता रहता हूँ अपनी लाइफ में। कभी कुछ देखने चलेगी डील, कभी कुछ देखने चलेगी, क्योंकि हम बिजनेसमैन है, हम टेम्परेरी ब्लॉगर है बट बिजनेसमैन परमानेंट वाले हैं। और भाई एक और, हाँ जी, जितने में अपनी हाईलक्स या फॉर्च्यूनर आती है ना, हाँ, इतने में फार्म हाउस ले रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो भाई देखो कहानी यही है कि इस व्लॉग को इस वे में देखना कि आपका भाई आपको अपनी लाइफ के किसी पार्ट को दिखा रहा है, ठीक है, नॉट अ कमर्शियल डील इट इज, ठीक है। देखी मेरी अंग्रेजी कैंड बोली ना, डेली लाइफ है हमारी। तो अभी हम जा रहे हैं ये हाईवे पे, 200 फुट हाईवे, एयरपोर्ट रोड है ये, और ये हमें कनेक्ट करेगा सीधा मुल्लांपुर में, मुल्लांपुर जहाँ हम ऑफ रोड के लिए जाते हैं। मेरे मुंह से मुल्लांपुर सुनते हो तो ना तो मुझे ऑफ रोड याद आ जाता है खुद को ही, बट आज हम मुल्लांपुर से भी आगे जा रहे हैं, वो जाने वाली जगह पहुँचने वाले के समय पर आपको मैं कॉल करूंगा, वेट करो। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मेरे करके थोड़ा जा मैं डबना है भाई, कर दूंगा जी, कर दूंगा। अच्छा क्यों? हाँ। भाई जी लोकेशन तुसी मिस करोगे कि कितनी सोनी लोकेशन है। चलो फिर ब्लॉग बनाना पड़ेगा। डन है जी, चलो जी चलें। सो भाई ये है रास्ता जो हम जा रहे हैं। अब एग्जैक्ट मैं ये इन्फॉर्मेशन सारी नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, और सिर्फ छोटा सा हिंट देता हूँ कि गोरों मतलब अंग्रेज जो थे उन्होंने इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश की थी नियर बाय चंडीगढ़ की वजह से। मतलब अब पता नहीं, अब मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जैसे मैंने सुना मैंने आपको बता दिया, ठीक कह रहा हूँ ना? ये देखो बांस के पेड़ गोरों ने लगाए थे, वाह 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 वाह, वो तो कोई बात नहीं, उसको तो छोड़ दो। इधर देखो अब आएगा एक जादू, रुको पेज पे ही रुको, अभी आप स्क्रीन पे ही रहना, आपको अब दिखेगा नदी नहर, ये रही शीशा तो उतार दो, कैसे दिखाऊं आगे से अरे वाह अरे वाह, हिंदी भी बोली आपने, आए हाय पानी भाई, नहर, अरे मैं पंजाबी जो गया यार, ये नहर है, ये डैम है पाजी, एंड उन्होंने डेवलप करना था इसको, बोटिंग एंड ऑल सारा। हाँ। लोकेशन स्पॉट है, मैं वहां पर रुकता हूं। नहीं आप चलते रहो, अब तो पहले लेट हो जाएंगे, फिर हम व्यू हमारा चला जाएगा फार्म हाउस का, आपको दिखेगा। ये देखो जी भाई, ये हल्का हल्का दिख रहा है आपको, प्रॉपर बाद में दिखा देंगे, अभी हम चलते चलते दिखा रहे हैं क्योंकि सन डाउन होने वाला है, और सन डाउन हो गया तो भाई हम भी डाउन हो जाएंगे, गोल्डन आवर।
वाओ नदी का पानी यहाँ तक आ गया पाजी थल्ले ला दे जी। ये देखो जी क्या व्यू है यहाँ पे, गुड 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 वेरी गुड व्यू। और अब हम जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। ये छोटे से हिंट आपको दे रहा हूँ इसमें कि दिखाने के लिए कि देखो जी क्या बढ़िया बढ़िया चीज मिलने वाली है। और पाजी ये है, चलो अब चलते हैं प्लॉट पे। और नहीं 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 फ्लैट पे नहीं 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 फार्म हाउस पे। ये देखो जी आप कहोगे ये क्या हो गया, ये तो फार्म हाउस दिखाने जा रहा है या रेत बजरी लेने जा रहा है। सो भाई हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, हम ऑफ रोड से जा रहे हैं। फार्म हाउस की जगह ही ऐसे रस्तों से होनी चाहिए यार, मेन रस्ते पे तो फिर हर कोई ले लेगा। इस पे लेते हैं लेजेंड्स, लेजेंड्स क्या कहते हो इंग्लिश में, एल से लेजेंड्स, ठीक है जी, नॉर्मल जेंट्स नहीं लेजेंड्स। और नदी के बीच में से रास्ता, नदी के बीचों बीच से रास्ता जाता है इधर ना, जिनके वैसे फार्म हाउस काफी बड़े बड़े हैं ना जिनके। हाँ। आप समझ लो वो कौन लोग हैं जो इधर लेते हैं, सियासतदान बड़े बड़े। हाँ, नाम आईएएस आईपीएस लॉबी पॉलिटिशियन उनके ये सारा। वाह यार भाई हाई लक्स में आना था यार भाजी, दोबारा फिर आ जाने ना। चलो अब दोबारा चलो अभी चलते हैं भाई, यहाँ मोर बहुत हैं, अगर आए तो मुझे आपको मैं दिखाऊंगा। बट अब हम बड़ी क्लोज पहुंच गए हैं अपने फार्म हाउस के। पाजी ड्रिफ्टे मार रहे हो स्कॉर्पियो में, मजा आएगा पूरा थ्री से डोनेट मार के दिखाऊं। पाजी स्कॉर्पियो है पाजी, ऐसे चेक करियो लोकेशन। ओ नहीं ये देखो आगे चेक करो। और ओ, इधर ना भाई एक और चीज आओगी। हाँ जी, मतलब जानवर जो फॉरेस्ट में होते हैं नॉर्मली उनके लिए बड़े डग बनाए हुए हैं लाइक वाटर पॉन्ड ना। हाँ। कि वो पानी पुनी पिए और वहाँ पर आ भी जाते हैं। मतलब लेपर्ड भी आता है, लेपर्ड आ गया फिर अपनी प्रॉपर्टी किसी ने नहीं लेनी। सही बात है, तो अपा भी नहीं अपने फार्म पे आएंगे। लाइक दिस ब्रोज, देखो ये फार्म हाउस की बाउंड्री है, यहाँ पे लोगों ने अपने फार्म हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं भाई ऑलरेडी, बहुत मतलब बहुत पहले से बना रहे हैं। क्योंकि फार्म हाउस का क्या मतलब होता है यार, फार्म होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, तुम्हारे बच्चों के लिए गाय रखी होनी चाहिए, उनका दूध निकलता होना चाहिए, और यार गाय की सेवा भी हो जाती है बहाने से। और जो कॉटेज बनाई है ना भाई जी, वो देखियो कि किड्स के लिए अपन की बनाया है। हाँ, ओ ये देखो ये भी बंदे ने कुछ अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखो अब क्या फार्म हाउस का पर्पज पता क्या है, फार्म हाउस का पर्पज मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए क्या है। मेरे लिए फार्म हाउस ये है कि मैं रहता हूँ शहर में, वहाँ छोटे फ्लैट में रहना पड़ता है या छोटे घर में रहना पड़ता है, यहाँ एक बड़ी सी जगह लो उसमें आप पेड़ पौधे लगाओ, अपनी वनस्पति खुद उगाओ, अपना खाना पीना खुद बनाओ, देसी घी घर का मिलेगा, खाना पीना घर का होगा, तो भाई आपके बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल में रहेंगे। और पाजी और किया देखो, मतलब एक तो नेचर इज देयर फैमिली के लिए, वीकेंड पे आने के लिए, जैसे मेरे पास है तो मैं फैमिली के साथ वीकेंड पे आता हूँ। yes. और साथ में माउंटेन्स, जंगल, यू नो फॉरेस्ट, एवरीथिंग सारा कुछ है, एसी की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। yes. और यार यहाँ पे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज कि फार्म हाउसेस ऑलरेडी बने हुए हैं। और जो फार्म हाउस आपको मिलेगा रजिस्ट्री होगी, इंतकाल होगा, और तीसरा ये देखो भाई ये पॉन्ड बनाए हुए हैं जानवरों के लिए पानी पीने के लिए, अब जैसे वो भी पानी पी रहा है मोर एक, वो बैठा भाई साहब मुझे हाइलक्स में आना था यार, क्या कर रहे हो भाई, वाओ व्हाट अ व्यू। और भाई बेसिकली nice फैमिली view. के साथ वीकेंड पे आओगे तो एंजॉय बहुत करोगे, ड्राइव भी, फार्म भी, और बच्चे भी रहेंगे यहाँ पे। भाई इंक्लाइन आ गया जी, इंक्लाइन आ गया, 4x2 चढ़ रही है, तो सोचो 4x4 तो मजे देके जाएगी। ये देखो इनक्लाइन आ गया, फिर डिक्लाइन आ गया। यहाँ पे फार्म हाउस में मैं नाम ले देता हूँ दो तीन बंदों के, आयुष का फार्म हाउस पक्का जी मैं दिलाऊंगा, अंकित भैया का फार्म हाउस पक्का जी मैं उन्हें भी कहूंगा ले लो, सौरभ भैया का डिटेलिंग डेविल से फार्म हाउस यहाँ पे पक्का वो भी ले लेंगे। मैं भी हूँ, और ये मैं भी, बड़े भाई मेरा भी है, हनी भाई का भी है, हमारा भी है, और केतन कालरा माई बेस्ट फ्रेंड, उसको तो चेक साइन मैं ही कर दूंगा। ये देखो गेट आ गए अपने, ये आ गए गेट अपने फार्म हाउस के, ये सारा डेवलप्ड है। और भाई क्या मजे हैं यार, पार्टी शार्टी करनी है, 3000 एकड़ अपने पास है, 1400 एकड़ भी है। यस, और भाई पार्टी करनी हो तो रात को 2 बजे कोई आंटी नहीं रोकेगी, आंटी पुलिस भी नहीं बुलाएगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, अपनी मर्जी चलेगी यहाँ पे, क्यों और जो मर्जी चलाओ। ये देखो, यस, और पहले आपको फार्म भी रोकना होगा। ये किसका है, ये भी अपने ही है भाई। अच्छा, अभी सेटिंग बनाई हुई है। ओके नाइस, सारा सेटिंग एरिया। व्हाट अ गुड व्यू,
आपको कॉटेजेस। अरे वाह, तुम तो फार्म हाउसेस में ले आए भैया। अरे पूल, सॉरी गाली निकल गई। सारे फार्म हाउसेस के बीच में पूल है, ये भी डेवलप कर रहे हैं अपना। नाइस नाइस नाइस। ओ यार, ये दिखाता हूँ अंदर से। वाह प्रॉपर, ये चेक करो, कमाल है। यही पर रुकते हैं, चलो पहले इसमें जाके आते हैं। चलो अब अंदर चलते हैं। राइट नाउ आई एम इन फार्म हाउस, और ये फार्म हाउस कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ उसको बताएंगे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, या फिर जिसका कॉल आएगा हमारी हेल्पलाइन नंबर पे, और किसी को नहीं, ए बाय इनविटेशन ही समझ लो, हम ओपनली नहीं बताएंगे। क्यों भाजी? सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि हमारी ये चीजें प्राइम है और हमें ये बेचनी नहीं है, हमें किसी अच्छे बंदों को देनी है। और ये बेचने और देने में बहुत फर्क है। हाँ यार, इन्होंने टेंट लगाया हुआ कच्चा का। अरे वाह, ये देखो भाई, ये देखो डॉक्टर पीजे में। यस वाह यार भाई, यहाँ तो यार मतलब भाजी डन हो गया जी अपना तो। भाई देखो हमने दो तो खरीद लिए, तीन, एक केतन का, एक हनी का, एक नितिश का हो गए। आयुष को मैं फोन कर दूंगा और बाकी सौरभ भैया को फोन कर देंगे, दो तीन बंदों को और कर देंगे। यार सौरभ भैया पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरे को ये सारा पहाड़ दे दो। चेक करो द क्वालिटी। यस, ये देखो जी, एक नंबर का घर है ये, बढ़िया ड्रॉइंग। और पीछे स्विमिंग पूल भी है। ये ड्रॉइंग रूम एक बड़ा सा, साथ में किचन ओपन, इसको जितने, ये किड्स के लिए कमरा, कमरा के अंदर बच्चों का शोर, कुछ भी करो, यहाँ से दिखते हैं मोर बड़े बड़े, और यहाँ पे कमरा एक और, ये देखो ये तोड़ा भाई, भाई बंद है। चलो ओ इधर भी है भाई, इधर भी रूम है, ठीक है जी, ये भी रूम है। और देखो यहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही बनाया जा सकता है, यहाँ पे लेंटर नहीं डाला जा सकता, और लेंटर की जरूरत क्या है भाई? आज स्विमिंग पूल है जी, जवाका देना होने ली। ये रेडी हो रहा है, अच्छी कॉटेज भी रेडी कर रहे हैं। ओ भाई एक वो कॉटेज है सामने, देखो भाई, देखो ये बहुत अच्छा प्लेस है, और इससे अभी एक दो फार्म हाउस और साइड सूट वाले भी मैं नीचे न गिर जाऊँ और दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सो पॉइंट इज कि जिसको भी ये लेना है वो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अभी मैं हनी भाजी के साथ एंजॉय करता हूँ थोड़ा। चलो भाजी, भाजी हाँ जी, देखो दिखाओ ये अपने आस्ते गुड लोकेशन। हाँ। इधर आओ, मैं पता की चूज कर रहे हैं। हाँ जी, जितना अपन हाइट पे मिल जाए, लाइक सारे पर माउंटेन माउंटेन होगी भाजी, लैंडस्लाइड तो ना हो। 0.0 भाजी, एंड इट इज इन पंजाब। यस, ओ यस, इट इज इन पंजाब, एंड ये देखो लुक लाइक हिमाचल, एंड सिक्योरिटी भी है भाई जी। सो अच्छा ये देखो जी, ये यहाँ से ऐसा है, ठीक है, और गेटेड है, सिक्योरिटी इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी अपने को, एवरीथिंग। और नितिश के थ्रू जो भी आ रहा है, आई विल गिव इट 1 kW सोलर, द सारा कुछ मैं दूंगा साथ में। पाजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दूंगा ही। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, लोगों के सामने इस पे ही बोल देता हूँ मैं ना, मैं आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, मैं आपको बताऊँ, मैं नहीं चाहता कि हम किसी को लुभावने ऑफर दें, तो कोई आए जो इतना बड़ा फार्म हाउस रहेगा 1 kW का सोलर खुद लगा लेगा, समझ रहे हो? बट सुनो सुनो सुनो, हमने फार्म हाउस, मैं बताता हूँ हमने क्या देना है, हमने बंदों को फ्री में क्या देना है, हमने बंदों को फ्री में देना है एक बहुत अच्छा नेबरहुड, साइड में डॉक्टर, साइड में वकील, कोई नेता, कोई मंत्री, हमने ये देना है आपको फ्री में, ठीक है, हम आपको कुछ और फ्री में नहीं देंगे, ऑफरोडिंग ट्रैक्स या ऑफरोडिंग ट्रैक, राइट? सो पाजी ठीक है ना, डन भाई, ये जेन्युइन है, देखो मैं तो खुद भी, आप बायर हैं, आई एम आल्सो बायर, मतलब मैं तो आप यही है कि तू भी ले मैं भी लवा, पाजी सारे इतने हैं, डन पाजी इज द ओनर, इन्हें फड़ ले आप, बस डन हो गया पाजी, डन। सो भाई द पॉइंट इज कि ये व्लॉग आप लोगों को मैंने इसलिए बना के दिया है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, किसी को कोई अगर है इंटरेस्ट कि उसको फार्म हाउस लेना है, तो ये बड़ा राइट टाइम है कि कम अमाउंट में उसको एक अच्छा फार्म हाउस मिल जाएगा। कम अमाउंट मतलब ऐसा अमाउंट है कि डिसेंट अमाउंट है कि अगर आप उसको लेना चाहोगे, परचेज करना चाहोगे, तो आप मना नहीं कर पाओगे। सो डिसाइड कर लो अगर आपका प्लान है, और ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मैंने उसमें दी आपको, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि
मैं नहीं चाहता कि मैं पब्लिकली इस चीज को डालूं कि वो बंदे स्वाद ही लेते हैं सारे ज्यादा, तो लेने वाले कम होते हैं। जो लेने वाले कम है वो कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। सो भाई इस नंबर पे कॉल करो, बात करो और ट्राई करो लेने का, बढ़िया है सीन, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सो हनी भाई टाटा बाय बाय कर दिए। हाँ हाँ पाजी, आप बाय बाय कर रहे हैं। हाँ मिलते हैं जी अगले ब्लॉग दे विच। अगले ब्लॉग में मिलेंगे हमारे बायर्स के साथ, जो हमारे फ्लैट्स लेने वाले हैं उनके साथ। ठीक है, फार्म्स फ्लैट 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 मतलब फ्लैट ही बोला जा रहा है। फ्लैट से निकल के फार्म हाउसेस पे आओ। या अब हम फार्म हाउस बेचेंगे, फ्लैट और हमने प्लॉट बहुत बेच लिया, अब हम फार्म हाउस बेचेंगे सीधे। पहाड़ भी दिखा दो, पहाड़ भी दिखा दे जाते जाते भैया, अब रात को बाहर की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। चलो जी चंगा, बाय बाय टाटा सी यू सत श्री अकाल, हरे कृष्णा हर हर महादेव, राम राम सब कुछ लो नजारे, बाय बाय सच सच सच्ची बाय बाय।